लोजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष सह पार्टी के प्रवक्ता संजय पासवान बुधवार के दिन अमरपुर क्षेत्र के सुरिहारी गांव पहुंचकर पार्टी के नेता जवाहर पासवान के निधन पर इनके परिजनों से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त की। मौके पर इन्होंने बताया कि जवाहर पासवान पार्टी के सच्चे सिपाही के रूप में जाने जाते थे। पार्टी के टिकट पर धोरैया विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था। उनकी मौत के बाद पार्टी को क्षति हुई है। इनकी कमी को कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता। मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान फोन के द्वारा मृतक के परिजनों से बात करते हुए हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में पार्टी पूरी मुस्तैदी के साथ शोक संलिप्त परिवार के साथ खड़ी है। वहीं मौजूद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 2 मिनट का मौन धारण किया। 1 अगस्त को पार्टी के पूर्व प्रत्याशी जवाहर पासवान की मौत हो गई थी। मृतक अपने पीछे भरा पूरा परिवार छोड़ गया है। इस अवसर पर पार्टी के जिलाध्यक्ष बेबी यादव, भागलपुर के जिलाध्यक्ष अमर कुशवाहा, प्रदेश कार्य समिति सदस्य मनोज पोद्दार, विनय कुमार, वरुण मधुकर, युवा जिलाध्यक्ष सुरेंद्र कुशवाहा, दलित सेना के प्रदेश सचिव नीरज पासवान, आसिफ खान, मुकेश देव, विजय कुमार गुड्डू, पुरुषोत्तम पासवान, प्रकाश पासवान समेत अन्य ग्रामीण उपस्थित थे। और मैं उनकी मिसेज, बच्चे, पिताजी, भाई से मिला। मैं इस दुख की घड़ी में इन लोगों के साथ हूँ, खड़ा हूँ पूरी मुस्तैदी से। अभी आपको एक जानकारी देना चाहते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खुद अभी टेलीफोन से जवाहर जी के मिसेज से टेलीफोन के माध्यम से बातचीत किए और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। और इस दुख की घड़ी में उन्होंने संवेदना प्रकट किया और भविष्य में भी किसी प्रकार की आवश्यकता हो, चाहे वो कोई भी समस्या हो, तो उन्होंने कहा कि हमसे सीधा संपर्क करिए और हम आपको मदद करेंगे। बांका जिला के जादुलखेर गांव में सर्पदंश से एक महिला की मौत हो गई। मृतक महिला जादुलखेर गांव निवासी विजय यादव की पत्नी कुमारी गुड्डू रानी बताई गई। मृतिका वार्ड नंबर 9 में आंगनबाड़ी सेविका के पद पर पदस्थापित थी। मृतिका के परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार बुधवार की अहले सुबह महिला शौच करने गई थी, तभी विषैले सर्प ने डस लिया, जिसके कारण महिला मूर्छित हो गई। डॉक्टर के पास ले जाने के क्रम में महिला की मौत हो गई। महिला की मौत के बाद इनके परिजनों का रो रोकर बुरा हाल देखा गया। विजय कुमार यादव, आपकी पत्नी का कैसे घटना हुआ? सांप के कटने से हुआ। क्या बजे का, कैसे क्या हुआ? 4 बजे लेटरिंग करने गई, लेटरिंग रूम बगल में है मेरे घर के पीछे, उसमें जंगल झाड़ है, उसी जगह बोला कि हम भी लेटरिंग के साथ नहीं गए थे, वो अकेले गई थी। बोला कि जैसे आई बोला हमको कुछ काट लिया। बोले क्या काटा है? बोला कि सांप काट रहा है। उसके बाद जैसे आई तैसे मुझको धो के तुरंत वहाँ बैठी है, उसको तुरंत 10 मिनट के अंदर वो बेहोश हो गई। अब बरसात तुरंत बरसो बारिश हो रहा था उसी समय। आपकी पत्नी का नाम? पत्नी का नाम है कुमारी गुड्डी रानी। ये वो तो बता रहा है, उनका जो से महिला ससुर है ना, वो कह रहा है कि कल जो है पूजा किया है और 9-10 बजे तक जो है वो पूजा में रहा, उसके बाद सोया खा पी, सोने के बाद जो है जगा, उसके बाद 4 बजे भोर में लेटिंग गया, लेटिंग से आया का बोलने लगा कि मेरा पैर चुनचुना रहा है, फिर लेट गया, लेटने के बाद जो है ये स्थिति खराब हो गया। उसके बाद बाबा स्थान ले गया, बाबा स्थान से घर वापस लाया है अभी, उसके बाद अभी उठा के किधर ले गया मालूम नहीं। बांका जिला के बिलहर थाना क्षेत्र के बोका बांध में डूबने से सोताडी गांव निवासी 35 वर्षीय जितेंद्र कुमार की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों की भीड़ घटनास्थल पर जमा हो गई। जितेंद्र कुमार के परिजनों और ग्रामीणों ने शव को ढूंढने का काफी प्रयास किया, लेकिन युवक का शव बरामद नहीं होने पर इसकी सूचना अंचलाधिकारी और स्थानीय पुलिस को दी गई। मौके पर स्थानीय प्रशासन ने भी पहुंचकर शव बरामदगी का काफी प्रयास किया। कड़ी मशक्कत के बाद मृतक का गमछा बरामद हुआ, लेकिन शव का कोई पता नहीं चल सका। स्नान के दौरान तैरते हुए वह काफी दूर चला गया था। गहरे पानी में जाने के कारण उसकी मौत हो गई। उसके साथ स्नान करने वाले अन्य लोगों ने भी उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हो सका। सूचना पर ग्रामीण और परिजन वहां जमा हो गए। काफी खोजबीन के बाद भी शव बरामद नहीं हो सका। मंगलवार सुबह से फिर खोज शुरू की गई। 4 घंटे के अथक प्रयास के बाद जितेंद्र कुमार का शव बरामद किया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए बांका भेज दिया। एक और कोरोना महामारी तो दूसरी ओर दूषित पानी पीने से महामारी बीमारी फैलने से लोगों में दहशत है।
रजौन प्रखंड के नरीपा गांव के एक नंबर वार्ड में आधा अधूरा जल नल योजना के कारण शुद्ध पानी नहीं मिलने से इस गांव के लोगों के द्वारा गंदा पानी पीने से महामारी फैल गया है। इस संदर्भ में इस गांव के ग्रामीणों ने बताया कि एक नंबर वार्ड में नल जल योजना आधा अधूरा ही है, जिसके कारण से चापा नल और कुआं के पानी का मजबूरन सेवन करना पड़ता है। नरीपा गांव के वार्ड नंबर एक में प्रदूषित पानी पीने से डायरिया बीमारी से चपेट में आ गया है, जिससे 6 अगस्त को उक्त बीमारी से नरीपा निवासी मुरलीधर काल के गाल में समा चुके हैं। वहीं डायरिया से देवीलाल सिंह, रघुनंदन सिंह, सुभद्रा देवी व आधा दर्जन लोग बीमारी की चपेट में अभी भी हैं। दूषित पानी पीने से बीमारी का खतरा बना हुआ है, जिससे लोग महामारी बीमारी को लेकर डरे और सहमे हुए हैं। उक्त गांव के सिकंदर शर्मा, चंदन कुमार सिंह, ब्रिजभूषण सिंह, बाल मुकुंद सिंह, पुष्पा देवी, प्रियंका कुमारी, नंदगोपाल सिंह व करीब 3 दर्जन लोग इस समस्या को लेकर बांका SDO, PHD बांका, रजौन प्रखंड विकास पदाधिकारी गुरुदेव प्रसाद गुप्ता, रजौन पंचायत के मुखिया गंगा देवी, वार्ड सदस्य बीना देवी, मंजू देवी को प्रतिलिपि देकर नल जल योजना के आधे अधूरे कार्य को पूरा कराते हुए शुद्ध पेयजल व्यवस्था करने की मांग की है। इस संदर्भ में PHD कनीय अभियंता ज्ञान रंजन ने बताया कि जानकारी प्राप्त कर आधे अधूरे नल जल योजना कार्य को पूरा करवाया जाएगा। डायरिया का प्रकोप देखते हुए इस संदर्भ में रजौन स्वास्थ्य केंद्र के प्रबंधक राजेश रंजन ने बताया कि मेडिकल टीम भेजकर संक्रमित लोगों की जांच करवाई जाएगी।